आपको फॉयर एरिया देख के पता लग जाएगा कि अंदर से घर कितना ज्यादा ग्रैंड है। मुझे तो आप जानते ही हैं तरन्नुम। सो गाइस, मैं हाजिर हो गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, नई लोकेशन पर। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ खरड़ लांड्रा हाईवे पे, जो आपका बहुत ही बिजी हाईवे है, बहुत ही मेन हाईवे है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो बहुत इजी कनेक्टिविटी है। जहाँ पे आज का हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है, वहाँ से आपका तकरीबन 3 किलोमीटर में आपका खरड़ बस स्टैंड आ जाता है। तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, आपका कुराली चंडीगढ़ हाईवे के थ्रू आप पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए एक्सेस कर सकते। एंड अगर आप जाएंगे राइट हैंड साइड को तो आप आगे जाके सीधा दिल्ली के लिए, अंबाला के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो इजी कनेक्टिविटी है, बिल्कुल कहीं भी जाना हो, कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो, इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो आज यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 3 BHK अपार्टमेंट, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है गाइज। बहुत ज़्यादा स्पेशियस अपार्टमेंट है। साइज़ की बात करूँ तो 215 गज में आज का ये हमारा 3 BHK रहने वाला है। बट मैं जिससे पहले कि आपको सैंपल में लेके जाऊँ या आपको एक्चुअल अपार्टमेंट दिखाऊँ, मैं आपको एमिनिटीज़ के बारे में बता देती हूँ। सो गाइज, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये कम्प्लीट 7.5 acre का टाउनशिप है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK जो इनके अपार्टमेंट थे वो सारे सोल्ड आउट है, सारे डिलीवर ये कर चुके हैं। अभी इन्वेंट्रीज लेकर आए हैं 3 BHK एंड 4 BHK, जिसमें से 3 BHK आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बात करेंगे एमिनिटीज़ के, तो यहाँ पे आपको ग्रीन पार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही लग्जरियस क्लब हाउस है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कनेक्टिविटी के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता ही दिया है। इनर रोड्स की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका इनर रोड है, आप देखिए कितना ज़्यादा वाइड रोड है, तो आपको ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू नहीं आने वाला है। पूरा गेटेड टाउनशिप है, सिक्योरिटी का भी आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप भी 2 BHK या फिर 3 BHK सर्च कर रहे हैं काफ़ी स्पेशियस साइज़ में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगी सीधा ऊपर एंड आपको अपार्टमेंट दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी एक्चुअल अपार्टमेंट, जहाँ से आपको आइडिया लग जाए कि जब भी आप अपार्टमेंट यहाँ पे परचेस करेंगे, आपको विद द परचेस क्या चीज़ें मिलेंगी एंड आपका जो अपार्टमेंट है वो एक्चुअली रहेगा कैसा। एंड देन उसके बाद हम चलेंगे सैंपल में, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप अपने अपार्टमेंट में फर्नीचर ऐड करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, तो आपके पास वो किस तरीके का लगने वाला है, कितना सुंदर लगेगा एंड कितना स्पेस उसमें बचने वाला है। तो आइए चलते हैं। सो गाइज, दिस इज द एक्चुअल अपार्टमेंट, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि विद द परचेज आपको जो अपार्टमेंट मिलने वाला है वो किस तरीके का रहेगा। लुक एट द एंट्री गाइज, ये जो आपका एंट्री पे डोर रहने वाला है ये रहेगा विद डिजिटल लॉक। आइए अंदर चलते हैं। सो गाइज, इस लॉक को आप एक्सेस कर सकते हैं कार्ड से भी, की से भी, थंबप्रिंट से भी, एक सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, यहाँ पे ये टैब देख रहे हैं तो आपके डोर पे एक वीडियो कॉल का फीचर भी रहेगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। अगेन, कोई भी आता है आपको विजिट करने के लिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कि आपको उसको अलाउ करना है अंदर, चेक कर सकते हैं कौन है, अलाउ करना है कि नहीं करना है। एंड देन आपका एंट्री में ही सबसे पहले ये फॉयर एरिया जाता है, आप स्पेस भी देख लीजिए कितना अच्छा स्पेस है। एंड देन यहां आ जाएगा आपका पूजा स्पेस। आइए, सो आप देख लीजिए कितना स्पेशियस आपको पूजा स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि घर में पॉजिटिव वाइब भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो काफी अच्छा स्पेस आपको ये घर में मिल रहा है। एंड आफ्टर दिस, हियर कम्स योर ह्यूज ड्रॉइंग स्पेस। लुक एट द स्पेस गाइज, मतलब कितना ज्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पे ड्रॉइंग एरिया मिल रहा है। बालकनी भी इसके साथ अटैच रहेगी, बहुत ज्यादा स्पेशियस बालकनी भी आपको मिल रही है गाइज। मतलब इतना स्पेस है ना कि आप 10-12 seater यहाँ पे सोफा अपना इजीली सेट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अगर फर्नीचर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगी इसके बाद, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे किस तरीके का आपको ये डेकोरेट करना चाहिए। एंड देन इसके बाद यहाँ आ जाएगा
आपके घर का वो स्पेस जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपका किचन, एंड इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पे रहेगा आपका डाइनिंग स्पेस। वहाँ पे आपका गरम गरम खाना बनेगा एंड यहाँ पे बैठ के आप खाएंगे। तो किचन में आप देख लीजिए, पूरा इसी तरीके का किचन आपको मिलने वाला है। आपको कैबिनेट्स आपके हाइड्रोलिक ओपनर के साथ रहेंगे, चिमनी आपको विद द परचेज मिल जाएगी, इस तरीके का आपका कुकिंग काउंटर रहने वाला है, ड्यूल सिंक आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी कैबिनेट्स देख सकते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके आप यहीं पे उनको रख सकते हैं, प्रॉपर कैबिनेट्स बने हुए हैं। एंड देन साथ ही यहाँ पे रहेगी आपकी पेंट्री, आप देख सकते हैं पेंट्री स्टोरेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसके साथ भी आपका जो बालकनी है वो अटैच रहने वाला है। सो गाइज, ये थे हमारे घर के आउटर पार्ट्स, ड्राइंग दिखा दिया मैंने आपको, डाइनिंग एंड आवर किचन दिखा दिया। अब चलते हैं रूम्स की तरफ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे घर में, ये हमारा फॉयर एरिया था, तो इस साइड आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब देखिए इसका भी स्पेस बहुत अच्छा है, कबर्ड्स आपको एज इट इज मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेस देख लीजिए अंदर, कबर्ड में स्टोरेज के लिए काफी अच्छा स्पेस भी मिल रहा है। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, कॉमन बालकनी विद योर ड्राइंग एरिया, एंड देन इसके सामने आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, सेम फिटिंग्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सीट आ जाएगा, बेसिन मिरर इस तरीके का रहेगा, यहाँ पे सारी आपकी बाथ फिटिंग्स आ जाएंगी। एंड गाइस एक बार टाइल्स भी देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल टाइल्स यहाँ पे इन्होंने यूज कर रखा है, अगर आप नजदीक से देखेंगे ना, बहुत यूनिक सा टाइल यूज करके रखा है, आपको विद द परचेज ऐसा ही मिलने वाला है। फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन एंड फॉर द एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको विंडो भी प्रोवाइडेड है, गीजर के लिए आपको प्रॉपर प्रोविजन मिल जाएगा, लगा सकते हैं, चाहेंगे तो पार्टीशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, इतना स्पेस आपको वॉशरूम में मिल रहा है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब इसके बाद आपको लेके चलती हूँ बाकी रूम्स में। सो यहाँ आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम एंड योर सेकंड बेडरूम, तो पहले आपको सेकंड दिखाती हूँ, उसके बाद मास्टर में चलेंगे। सो ये देखिए आपका सेकंड बेडरूम, ये भी बहुत बड़ा है, काफी स्पेशियस रूम है, यहाँ पे आप बेड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे चेयर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे कबर्ड्स, स्पेस देख सकते हैं विद स्लाइडिंग डोर, ये आपको मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया एज इट इज रहेगा विद द परचेज भी। यहाँ पे आ जाएगा इसका वॉशरूम, एंड इसके साथ भी आपका बालकनी जो है वो कनेक्टेड रहेगा। सो गाइस, जो आपने कॉमन वॉशरूम देखा उसका साइज इसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा था, ये आपको काफी बड़ा वॉशरूम मिल रहा है। आपका बाथिंग एरिया देखिए, इतना बाथिंग सेक्शन आप कर सकते हैं अपना, देन यहाँ पे सीट है आपकी, बेसिन मिरर आपको ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी है, आपके गीजर के लिए प्रोविजन, मतलब सारा आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। टाइलिंग आप देखिए, काफी अच्छा टाइल आपको यहाँ पे वॉल पे भी मिल रहा है, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटिस्केट रहने वाली है। अगर मैं बात करूंगी सारी फिटिंग्स की, तो पूरे ही घर में आपको सारी ब्रांडेड बाथ फिटिंग्स मिलने वाली है। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम, अब लेके चलती हूँ आपको मास्टर बेडरूम में। सबसे पहले तो आपको आवाज से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपकी जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग रहने वाली है, तो जैसे कि आप देख लीजिए अभी भी, क्योंकि आपका मास्टर बेडरूम है तो स्पेस तो ज्यादा होना बनता ही है, बहुत बड़ा रूम है गाइस, बेड लगाने के बाद एक सोफा लगा सकते हो और चेयर्स भी साथ में, इतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ भी आपकी बालकनी आ जाएगी, जो आपकी पूरी प्राइवेट बालकनी रहने वाली है, किसी भी रूम के साथ किसी भी एरिया के साथ आपका कॉमन नहीं होगा। एंड देन यहाँ आ जाएगा आपका ड्रेसिंग एरिया, सो वॉकिंग क्लोजेट यहाँ पे देख सकते हैं विद स्लाइडिंग डोर रहने वाले हैं, अगेन स्पेस इनमें भी आपका काफी अच्छा आ जाएगा, एंड इस साइड आएगा आपका वॉशरूम। सो ये है वॉशरूम आपके मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड, बाथिंग सेक्शन यहाँ देख सकते हैं, अलग से बिल्कुल स्पेस है, आपकी सारी बाथ फिटिंग्स आ जाएंगी, यहीं पे आपका विंडो भी प्रोवाइडेड है, एंड देन यहाँ आ जाएगा आपका बेसिन योर मिरर, एंड इस साइड रहेगा आपका सीट। एंड टाइलिंग की बात करूंगी तो यहाँ पे भी आपका टाइलिंग जो है वो काफी अच्छा यूज किया है, फुल वॉल का देख सकते हैं, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किट रहने वाली है, गीजर के लिए एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे भी आपको प्रोविजन मिल जाएगा।
सो गाइज ये तो था हमारा एक्चुअल अपार्टमेंट जो आपको मिलने वाला है विद द परचेज। इसी तरीके का पूरा अपार्टमेंट रहेगा आपका। अब मैं आपको लेके चलूंगी हमारे सैंपल अपार्टमेंट में, जिसकी कुछ झलक तो आपने स्टार्टिंग में देख ही ली थी। वहां चल के आपको ये आइडिया होगा कि जब भी आप इस अपार्टमेंट को परचेज करेंगे तो आपको वो किस तरीके से डेकोरेट करना है एंड कितना फर्नीचर आप घर में ऐड करेंगे तो कितना स्पेस आपके पास लेफ्ट रहेगा। आइए चलते हैं। सो आफ्टर आर एक्चुअल अपार्टमेंट, अब यहाँ है हमारा सैंपल अपार्टमेंट। आइए चलते हैं, ये भी आपको दिखा देती हूँ। गाइज लुक एट द फॉयर एरिया, कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है इन्होंने। मतलब यहाँ देखिए आप जरा, वाओ, बहुत अच्छे आइडियाज ले सकते हैं आप अपनी एंट्री को ही डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी एंट्री सुंदर लगेगी ना तो वहीं से आइडिया लग जाएगा लोगों को कि आपका घर कितना ग्रैंड रहने वाला है। सो यहाँ आ जाएगा आपका पूजा स्पेस, ऐसा ही स्पेस रहेगा आपके एक्चुअल अपार्टमेंट में भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अपना पूजा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस यहाँ आ जाएगा आपका ग्रैंड ड्रॉइंग एरिया। लुक एट दिस गाइज, मतलब कितना अच्छा स्पेस है, कितना अच्छा डेकोरेशन है, मतलब जस्ट वाओ। आप बहुत अच्छे आइडियाज ले सकते हैं यहां से अपने ड्राइंग एरिया को डेकोरेट करने के लिए। मतलब आप देखिए कितना अच्छा सिटिंग यहां पे इन्होंने क्रिएट कर दिया है, एंड उसके बाद भी मेरे पास इतना स्पेस है कि मेरे को जहां पे भी मूव करना होगा मैं इजीली कर सकती हूं, चाहे मुझे यहां पे बैठना है, चाहे मुझे अपनी बालकनी के लिए एक्सेस करना है। आप देखिए इसके साथ भी आपका बालकनी कनेक्टेड रहेगा, चाहे मुझे वहां के लिए एक्सेस करना है मैं इजीली कर सकती हूं। पीछे वॉल देखिए आप, पूरा पैनल वर्क हो रखा है इस पे, आपका पीओपी वर्क हो रखा है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सेंटर में आप ये पीस देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के आइटम्स आप भी अपने घर में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो घर है वो और भी ज्यादा सुंदर लगे। ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड हियर कम्स योर एलईडी पैनल, लुक एट दिस पीस गाइस, मतलब वाओ, बहुत सारी चीजें ऐड करी गई हैं इसमें, तो आप भी यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। एंड ये था हमारा ड्राइंग एरिया, इसी के साथ यहाँ पर रहेगा हमारा किचन एंड आर डाइनिंग स्पेस। मतलब गाइस दिस इज कॉल्ड फुली मॉडर्न किचन विद दिस ब्रेकफास्ट टेबल। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे आइडियाज ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्चुअल में आपको दिखाया ही था कि आपको विद द परचेज क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। बाकी जो चीजें हैं ये सारी आपकी डेकोरेटिव आइटम्स रहेंगी या एक्स्ट्रा आइटम्स रहेंगी। आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं कि आप भी इन चीजों को अपने किचन में अगर ऐड करेंगे तो आपका किचन कैसे दिखेगा, आपका घर किस तरीके का दिखेगा। तो कुछ आप देख सकते हैं, इस साइड आपका सारा वेट सेक्शन आ जाएगा विद दिस ड्यूल सिंक, ऊपर आपके सारे कैबिनेट्स रहेंगे, यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। वहां पे आ जाएगी आपके गीजर के लिए प्रोविजन, एंड देन यहाँ पे भी कैबिनेट्स देख सकते हैं। ये कैबिनेट जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक ओपनर के साथ रहेंगे। यहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं, चिमनी आपको विद द परचेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। लो कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे, सेम एज इट इज रहने वाले हैं। एंड इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको एक्चुअल में भी दिखाया था, ये पेंट्री पार्ट आपका सेम रहने वाला है। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, बहुत ज्यादा स्पेशियस बालकनी है। एंड ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं कंप्लीट, कुछ इस तरीके का सेटअप आप भी अपने किचन एंड अपने डाइनिंग एरिया में कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने अप्लायंसेस ऐड कर सकते हैं, मिनी बार बना सकते हैं, क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा आइडिया है ये। एंड जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट काउंटर की बात पहले भी की थी, तो कुछ इस तरीके का सेटअप भी आप अपने किचन में बना सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा मॉडर्न दिखे। सो आफ्टर दिस यहाँ आ जाएगा आपका ये डाइनिंग स्पेस, जहाँ पे आप 6-seater डाइनिंग टेबल देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा है इन्होंने। अगर मैं पीछे की भी बात करूँ, बहुत अच्छी डेकोरेशन करी है, आप चाहे फॉल सीलिंग ऊपर देख लीजिए, चाहे डेकोरेशन पूरे घर का देख लीजिए, बहुत अच्छा सैंपल बनाया है इन लोगों ने। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे कि आप अपने घर को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डाइनिंग टेबल है वो ऑलरेडी पूरा इंस्टॉल्ड है, तो स्पेस आपको पता लग गया होगा, 6-seating आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या अगर आपको एक चेयर और ऐड करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हैं इन केस ऑफ ईटिंग, और बाद में हटा भी सकते हैं, तो अच्छा साइज है मतलब। सो ये था हमारा ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन, पूरा दिखा दिया मैंने आपको किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस है, कौन सी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने एरिया में। अब मैं आपको लेके चलूँगी प्राइवेट स्पेसेस की तरफ, जो हैं आपके रूम्स। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको एक्चुअल में भी दिखाया था कि यहाँ पे आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एंड उसका वॉशरूम। आइए पहले बेडरूम देख लेते हैं। तो जो आपने एक्चुअल में रूम देखा था
उसमें आपका सिंपल रूम था, कोई फर्नीचर नहीं था, तो वहां से स्पेस का इतना आइडिया नहीं होता। यहाँ पे आपका सारा फर्नीचर है, जैसे सेंटर में आपका बेड है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, मतलब दोनों साइड आपका इनफ स्पेस बच रहा है। पीछे का वॉल देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है इन्होंने, पैनल वर्क आ जाएगा, बीच में वॉलपेपर यूज किया है, बीच में आप ये फ्रेम देख सकते हैं, कुछ आइडियाज ले सकते हैं आप भी। एंड पूरे कमरे का थीम भी आप देख सकते हैं, पूरे रूम का थीम, तो कुछ इस तरीके का भी, अगर आपको ऐसे कलर्स पसंद है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरफ आ जाएंगे आपके कबर्ड्स विद लॉट्स ऑफ स्पेस, एंड सामने वाली वॉल पे रहेगा आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस, सिंपल स्क्रीन भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके का सेटअप भी कर सकते हैं, या फिर आपको पैनलिंग करवानी है कुछ डिफरेंट तरीके की वो भी करवा सकते हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, एंड उस साइड रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग। फॉल सेलिंग की बात करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आपका लाइट्स भी आ जाएगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से बना हुआ है। सो इसके सामने बिल्कुल आ जाएगा हमारा वॉशरूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस देख लीजिए। पार्टीशन की बात करी थी मैंने, तो पार्टीशन अगर आप अपने वॉशरूम में करेंगे तब भी आपके पास इनफ स्पेस बच जाएगा, मतलब आपका बाथिंग सेक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। देन यहाँ पे आपकी सीट आ जाएगी, बेसिन मिरर आपका एज इट इज, वहां पे भी दिखाया था मैंने, यहाँ पे आ जाएगा आपका विंडो, एंड आपकी पूरी जो फिटिंग्स रहने वाली है वो सारी कॉलर की रहेंगी। एंड देन इन दोनों चीजों के सेंटर का जो स्पेस है आप देखिए, ये भी उन्होंने काफी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है, तो आप कुछ ऐसे आइडियाज भी ले सकते हैं। एंड सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी बाकी दो रूम्स में, तो आइए। तो यहाँ रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ये है आपका सेकंड बेडरूम, पहले ये देखेंगे। सेम इसमें भी आपका बेड इंस्टॉल्ड है, तो आप स्पेस का आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं, पीछे वाला वॉल भी देख सकते हैं, इसमें पूरा वॉलपेपर यूज किया गया है आपका। कबर्ड आपका एज इट इज रहेगा, जैसे कि आपको एक्चुअल में भी दिखाया था। सामने वाली वॉल पे आ जाएगा आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस, एंड देन यहाँ पे रहेगा आपकी बालकनी के लिए एक्सेस, आपका एसी का प्रोविजन, एंड देन यहाँ आ जाएगा हमारा वॉशरूम। सो वॉशरूम में आप देख सकते हैं कि इन्होंने सैंपल अपार्टमेंट में पार्टीशन करके रखा है, तो उस साइड आपका काफी स्पेस बच जाता है, मतलब कि आपका जो बाथिंग सेक्शन है वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा बेसिन आपका, मिरर एंड योर सीट, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी। टाइलिंग की बात करूंगी, फुल वॉल लेंथ का टाइल आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किड बनाई गई है। सो आफ्टर सेकेंड बेडरूम, अब यहाँ है फाइनली हमारा मास्टर बेडरूम। अगेन बताना चाहूंगी कि मास्टर बेडरूम में फ्लोरिंग आपका वुडन का रहने वाला है। सो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मास्टर बेडरूम है आपका, उसमें आपका बेड इंस्टॉल करने के बाद भी इतना स्पेस बच जाता है कि आप चेयर्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो वहां देखिए चेयर्स भी आपका प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, एंड सामने वाली वॉल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका एलईडी पैनल लगा सकते हैं आप, एंड इतना स्पेस बच जाता है कि आप चाहेंगे कुछ ऐसा पीस भी रख सकते हैं फॉर द डेकोरेटिव आइटम्स, या फिर आप स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, जो आपका बिल्कुल प्राइवेट बालकनी है, एसी की डक्टिंग वहां रहेगी आपकी। एंड देन जैसे कि स्पेस के बारे में हमने पहले ही बात की थी, दो चेयर्स आप रख सकते हैं, इतना स्पेस बच जाता है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर्ड एरिया, तो आइए। यहां है वॉशरूम, यहां है आपके कबर्ड्स विद स्लाइडिंग डोर, लुक एट द स्पेस। सो इनके जो ये कवर्ड एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे पीस लगा रखा है विद मिरर एंड दिस कैबिनेट, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग एरिया में मिरर लगा के, ताकि आप यहाँ पे ही अपना क्योंकि आपके क्लोथ्स वगैरह भी यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं, अपने आप को रेडी कर सकते हैं, पूरा फाइनल टचअप देके देन आप बाहर जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी आइडिया है ये, आप भी ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम। सो यहाँ पे भी पार्टीशन देख सकते हैं आप, सामने आपका यहाँ पे सिंक आ जाएगा, देन मिरर, आपका सीट, एंड आप देखिए ना कि इतना स्पेस आपको मिल रहा है कि कुछ इस तरीके का सेट करवा सकते हैं आप अपनी वॉशरूम को, तो यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। काफी अच्छा इन्होंने सेट कर रखा है यहाँ पे वॉशरूम, नीचे आपका पूरा वैनिटी आ जाएगा फॉर द स्टोरेज, तो काफी अच्छा आइडिया है, आप भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम, बहुत ही सुंदर सा। इसी के साथ आज के हमारे इस
ब्यूटीफुल से सैंपल अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है। मैंने आपको दोनों दिखाए हैं, एक्चुअल भी एंड सैंपल भी। एक्चुअल जो आपको विद द परचेज मिलने वाला है, जहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जब भी आप घर परचेज करेंगे तो आपका जो घर है वो किस तरीके का आपको मिलने वाला है। एंड सैंपल से आपको ये आइडियाज मिल गए होंगे कि आप उसको डेकोरेट कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करेंगे, ताकि आपका जो घर है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके एंड लोग बोले वाओ क्या घर बनाया है इन्होंने। तो गाइज, अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ ऐसे ही सुंदर सुंदर घरों की, ताकि आप घर बैठे ही अपने सपनों का घर चूज कर लें, आपको कहीं पर भी जाना ना पड़े। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको ईजिली मिल जाए, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सुंदर से घर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।